حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار الكافرين والمشركين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب لأن ذكره ذكري وذكري ذكر الله وذكر الله عباده درود پڑھیں محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم برادران عزیز मवालियाने हैदर करार मातमदरान सैद शहदाए करबला आज़ादरान मजलूम करबला आप हजरात की मोहब्बतें आप हजरात की अकीदतें और करम हैं चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का खुसूसी सदका है मादरे हसनैन यानी बिनते रसूल सकलैन जनाब फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद और खासकर शादी कौनैन की नलाने पाक से लिपटी हुई गर्द का तसद्दुक है कि कातिब तकदीर ने हमारे कासे दिल में अली की मोहब्बत की भीख डाली। अज़ीज़ान मोहतरम आज मुहर्रम की 5 तारीख आ गई है। अशरा मुहर्रम की आज हमारी 5वीं मजलिस है। इसमें हमारा उन्वान या मौजू या टॉपिक जो समझ लीजिए जो इसमें रखा गया है वो विलायत और आज़ादारी के उन्वान से है। देखिए रसूल आज़म यानी रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं, बहुत ही मशहूर मारूफ हदीस है, इसमें रसूल ने फरमाया कि ज़य्यिनू मजालिसकुम बज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजलिसों को जीनत दो ज़िक्र अली इब्न अबी तालिब से, लियान ज़िक्रहू, क्योंकि उनका ज़िक्र ज़िक्री मेरा ज़िक्र है, वज़िक्री और मेरा ज़िक्र ज़िक्रुल्लाह अल्लाह का ज़िक्र है, वज़िक्रुल्लाह इबादा और अल्लाह का ज़िक्र करना इबादत है। तो भाई मालूम यह हुआ कि अली का ज़िक्र करना इबादत है। तभी तो रसूल ने कहा कि अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत, अली का ज़िक्र करना इबादत। रसूल ने क्या इरशाद फरमाया कि अपनी मजलिसों को जीनत दो, अपनी मजलिसों को सजाओ ज़िक्र अली इब्न अबी तालिब के ज़रिए से। अपनी मजलिसों को जीनत दो ज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के ज़िक्र से। तो भाई मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे माबूद, ऐ मेरे मालिक, तूने ये क्यों नहीं कहा कि अपनी मजलिसों को जीनत दो ज़िक्र मोहम्मद से, या अपनी मजलिसों को जीनत दो ज़िक्र आदम से, या अपनी मजलिसों को जीनत दो ज़िक्र इब्राहिम से, या अपनी मजलिसों को जीनत दो ज़िक्र नूह से, या अपनी मजलिसों को जीनत दो ज़िक्र मूसा से, या अपनी मजलिसों को जीनत दो ज़िक्र ईसा से। ऐ मेरे रसूल अल्लाह, आपने यही क्यों कहा कि अपनी मजलिसों को जीनत दो ज़िक्र अली इब्न अबी तालिब से। देखिए इतना जहन में रखिएगा कि रसूल जो कुछ कहता है वो कलाम इलाही होता है। तो मालूम यह हुआ कि रसूल कभी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहता, बल्कि वो जो कुछ कहता है वो अल्लाह की वही के मुताबिक कहता है। जब तक अल्लाह उन पर वही नहीं भेजता है तब तक रसूल अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते हैं। तो मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह, आपने
یہ کیوں نہیں کہا کہ اپنے ذکر کو زینت دو، اپنی مجلسوں کو زینت دو، آدم کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت دو، ابراہیم کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت دو، داؤد کے ذکر سے، تو ایک مرتبہ آواز آئے گی، اے نادان تجھے نہیں معلوم، اللہ کا ذکر سب کر لیتے ہیں، محمد کا ذکر سب کر لیتے ہیں، لیکن علی کا ذکر صرف وہی کریں گے جو حلالی ہوں گے۔ ایک درود پڑھے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علی کا ذکر وہ کرے گا جو حلالی ہوگا، علی کا ذکر کبھی وہ نہیں کر سکتا کہ جو حرامی ہو، کیونکہ بھائی رسول کی حدیث ہے، اے علی جو تم سے محبت رکھتا ہوگا وہ حلالی ہوگا، جو تم سے دشمنی کرے گا وہ حرامی ہوگا۔ بھائی ولایت، جیسے میں ہر مجلس میں اپنی کہتا ہوا آ رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے جو ہم پر عظیم تحفہ ہے وہ ولایت علی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک قافلہ حج کرنے کے لیے جا رہا تھا، تو اس قافلے والوں نے کیا دیکھا کہ ایک ضعیفہ ہے جو صحرا میں کھڑے ہو کر دعا کر رہی ہے کہ اے میرے معبود، تیرے واسطہ ہے محمد والے محمد کا کہ میری بینائی واپس آ جائے، کیونکہ وہ عورت نابینا تھی، وہ ضعیفہ دعا کر رہی تھی، میرے معبود تیرے واسطہ ہے محمد والے محمد کا کہ میری بینائی واپس آ جائے۔ اب وہ قافلے والے اس میں سے ایک اترا، اتر کر کہا ہے ضعیفہ تو کس کا واسطہ دے رہی ہے، تو کس کے واسطے دعا مانگ رہی ہے؟ اس ضعیفہ نے پلٹ کر جواب دیا، میں اسی کے واسطے سے دعا مانگ رہی ہوں کہ جس کے واسطے سے اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ اب وہ لوگ واپس آئے تو کیا دیکھا کہ اس ضعیفہ کی بینائی واپس آ گئی ہے، اور وہ ایک اعلان کر رہی ہے، اے لوگو تم پہ علی کی ولایت واجب ہے، اے لوگو تم پر علی کی ولایت واجب ہے، اے لوگو تم پر علی کی ولایت واجب ہے۔ تو اس ضعیفہ سے، اس آنے والے شخص نے پوچھا، اے ضعیفہ یہ بتا کہ تیری بینائی کیسے واپس آئی؟ اس ضعیفہ نے کہا کہ میری بینائی محمد والے محمد کے صدقے میں واپس آئی۔ جب میری بینائی واپس آ گئی، جب میری بینائی واپس آ گئی تو میں نے اللہ سے کہا، اے میرے معبود، تو نے جس کے صدقے میں میری بینائی کو واپس پلٹایا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں اس کا دیدار کروں، میں چاہتی ہوں کہ میں اس کا دیدار کروں۔ تو ایک مرتبہ جناب خضر سے میری ملاقات ہوئی، تو ایک مرتبہ خضر نے کہا، اے ضعیفہ جا کر پوری دنیا میں اعلان کر دے کہ اے لوگوں تم پر علی کی ولایت واجب ہے، اے لوگوں تم پر علی کی ولایت واجب ہے۔ تو بھیا وہاں سے معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ سے مانگ کر، علی کے ہاتھوں سے لے کر، علی سے محبت کرتے ہیں، وہ اپنی نمک حلالی کا ثبوت دیتے ہیں، اور جو لوگ اللہ سے مانگ کر، علی سے لے کر، علی کے ہاتھوں سے لے کر، علی سے دشمنی رکھتے ہیں، وہ اپنی نمک حرامی کا ثبوت دیتے ہیں۔ ایک درود پڑھے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ سے مانگ کر، علی کے ہاتھوں سے لے کر، علی سے محبت کرتے ہیں، وہ اپنی نمک حلالی کا ثبوت دیتے ہیں، اور جو لوگ اللہ سے مانگ کر، علی کے ہاتھوں سے لے کر، علی سے دشمنی رکھتے ہیں، اپنے بغض میں، اپنے دل میں بغض علی رکھتے ہیں، علی سے بغض رکھتے ہیں، تو وہ لوگ نمک حرامی کا ثبوت دیتے ہیں۔ بھائی جیسے کہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے ولایت علی اور عزاداری، عزاداری کا مقصد کیا ہے، ہم آج یہ عزاداری برپا کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے اس فرشتی عزا کی اتنی اہمیت ہے، روایت میں ملتا ہے کہ جب ملائکہ عرش سے فرش پر آتے ہیں مجلس حسین میں شرکت کرنے کے لیے، تو جب وہ آنے کے بعد اس فرش سے اپنے پروں کو مس کرتے ہیں، جب وہ یہاں سے واپس آسمان پہ جاتے ہیں، عرش پر تشریف لے کر جاتے ہیں، تو جنت کی حوریں ان سے کہتی ہیں کہ آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں، آپ کے جسم میں سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ ہم نے آج تک ایسی خوشبو سونگی ہی نہیں۔ جبکہ بھائی جنت میں وہ حوریں رہتی ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ جیسی خوشبو فرش حسین پر ہے، ایسی خوشبو جنت میں بھی نہیں ملتی ہے۔ اب ان لوگوں نے پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، تو ان فرشتوں نے کہا کہ ہم کربلا سے آ رہے ہیں۔ اب حوروں نے کہا کہ آپ کربلا سے لائے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم کربلا سے دو چیزیں لائے ہیں،
एक खाक शिफा और एक फुरात का पानी, ये दो चीजें हम करबला से लेकर आए हैं। लेकिन एक बात अपने जहन में रखिएगा, आप लोग मजलिस पे बुलाए नहीं जाते हैं बल्कि आपको मजलिस में लाया जाता है। मैं कुछ कह रहा हूं, आप लोगों को मजलिस में लाया जाता है भाई। जिसे शहजादी तौफीक अता करती है वही मजलिस हुसैन में तशरीफ लेकर आता है। वो मजलिस हुसैन में कैसा आता है, वो अपने नफ्स की पाकीजगी की वजह से, अपने खून की तहारत की वजह से, उसका खून की तहारत उसे मजबूर करती है कि वो फर्श हुसैन पर आकर शिरकत करे। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, वो मजबूर होता है अपने खून के तहारत की वजह से कि वो फर्श हुसैन पर तशरीफ लेकर आए। भाई इस फर्श अज़ा की इतनी अहमियत क्यों है, इस फर्श अज़ा की इतनी अजमत क्यों है? इस फर्श अज़ा की इतनी इसलिए इतनी अजमत है क्योंकि ये फर्श अज़ा उससे मंसूब है कि जिसने अपनी हयात के पहले दिन अर्श के मुजरिम को माफ किया और अपनी हयात के आखिरी दिन फर्श के मुजरिम को माफ किया। भाई अर्श का मुजरिम कौन था? फितरुस, कि जिससे तरके औला होने के बावजूद अल्लाह ने उसके बालों पर छीन लिए थे। किस वजह से छीन लिए थे? क्योंकि उनसे तरके औला हो गया था। जब 3 शबान को इमाम हुसैन दुनिया में तशरीफ लेकर आए, जब फितरुस ने देखा कि तमाम के तमाम फरिश्ते जा रहे हैं, तो एक मर्तबा फितरुस ने कहा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, इतने ज्यादा इतने इकट्ठे होकर कहाँ जा रहे हो? तो एक मर्तबा उन लोगों ने कहा कि तुम्हें मालूम नहीं है रसूल के यहाँ उनका नवासा हुसैन आया है। फितरुस आए, फितरुस ने आने के बाद अपने परों को हुसैन के झूले से मस किया। अब फितरुस को निजात मिल गई, फितरुस को आजाद कर दिया गया। तो भाई मालूम यह हुआ कि हुसैन ने वहां पर फितरुस को निजात देकर बता दिया और करबला में हुर को माफ करके बता दिया कि हुसैन भाई। आज हम इस फर्श अदा पर तशरीफ लाते हैं सिर्फ इस वजह से कि हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। हम इस फर्श अदा पर आने के बाद सबूत देते हैं कि हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। जैसा कि मैंने अभी पहले वाली मजलिस में कहा था कि अगर कोई बंदा हुसैन से मुखालफत करे या इस आज़ादारी की मुखालफत करे तो वो हलाक हो जाता है। अगर कोई इस बात पर यकीन नहीं रखता है तो वो इस आज़ादारी की मुखालफत करके देखे, लेकिन इस आज़ादारी की मुखालफत वो करेगा इसकी माँ शरीफ नहीं होगी। भाई हम लोगों को फख्र करना चाहिए कि हम इस फर्श अज़ा पर तशरीफ लेकर आते हैं, हमारे हिस्से में गमे हुसैन आया है। आज अगर इंसान किसी एसपी के पास बैठ जाए या डीएम के पास बैठ जाए, सीओ के पास बैठ जाए, एसओ के पास बैठ जाए, किसी ऐसे आदमी के पास बैठ जाए जिसका लेवल ऊंचा हो, या भाई प्राइम मिनिस्टर के पास बैठ जाए, तो वो पूरे में कहता फिरेगा कि मैं आज प्राइम मिनिस्टर के पास बैठकर आ रहा हूं, आज मेरी मीटिंग पीएम से थी, आज मेरी मीटिंग फला से थी। यानी यूं समझ लीजिए कि जब वो इंसान किसी ऊंचे लेवल इंसान के पास बैठेगा तो वो सब में कहता फिरेगा, मैं आज फला शख्स के पास बैठा, मैं आज उसके पास बैठा कि जो यहाँ का पीएम है, आज मैं उसके पास बैठा। तो भाई जब वो फख्र कर सकता है उसके ऊपर जो दुनिया में यहाँ का पीएम है, तो भैया हमारा तो हक बनता है कि हम फख्र करें, हम अपना सर ऊंचा करके चले, क्योंकि हम वहां पर आकर बैठते हैं कि जिनके सदके में ये फर्श ये पूरी कायनात खल्क हुई है। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। हम उनके पास आकर बैठते हैं जिसके सदके में ये पूरी कायनात को खल्क किया गया है। किसके सदके में पूरी कायनात खल्क हुई है? भाई मासूमीन के सदके में ये पूरी कायनात खल्क हुई है ना। भाई चांद बना किसके सदके में? अहले बैत के सदके में। सूरज बना किसके सदके में? अहले बैत के सदके में। ये जमीन और आसमान बने
किसके सदके में, अहले बैत के सदके में। पर यहां से मुझे एक जुमला याद आ गया, आज जब हम लोग सबीले लगाते हैं, जुलूस बरामद करते हैं, या फिर हम टेंट वगैरह लगाते हैं, सर ये सब इंतजाम तो करते हैं, ये सब एहतमाम तो करते हैं, तो लोग उनको शिया कहती है, यानी लोग हमको शिया कहते हैं कि भैया हुसैन की मोहब्बत में टेंट लगाते हैं या हुसैन की मोहब्बत में सबीले लगाते हैं। तो भैया अगर उनकी नजर में ऐसा करना ये शिया की अलामत है, तो मुझे कायनात के सबसे पहले शिया का मालूम हो गया जो कह रहा है मैंने ये जमीन और आसमान जो बिछाए हैं हुसैन के सदके में बिछाए हैं, ये मैंने जो सबीले लगाई है, जो मैंने समंदर जो बिछाए हैं, इन समंदरों में जो पानी बहाया है ये हुसैन के सदके में बहाया है, ये जमीन चांद सूरज आसमान सितारे जो कुछ किया है वो हुसैन के सदके में किया है। तो भाई मालूम ये हो गया कि जो सब कुछ करता है हुसैन के सदके में करता है, तो परवरदिगार इस कायनात का सबसे पहला शिया है जो सब कुछ जिसने जो कुछ किया है वो हुसैन के सदके में किया है। क्यों? इस वजह से कि ये लोग कहते हैं कि हम जितने भी एहतमाम करते हैं, हम सबीले लगा रहे हैं, हम टेंट लगा रहे हैं, किसके सदके में लगा रहे हैं, हुसैन के सदके में लगा रहे हैं। खबरदार याद रखना तुम उसके अजादार हो कि जिसने तुम्हारी जमानत ली है, जो इस दुनिया का मुहाफिज है, इस दुनिया का मददगार है, इस दुनिया का वही हुसैन। कि जब अब से चंद साल पहले की बात है कि जब दाइश और इज़राइल ने यह कहा था कि अगर अब की बार अरबईन पर जायरीन करबला में आए तो हम बम धमाकों से उनको उड़ा देंगे, वो सोचते ये थे कि इस बार अरबईन पर जायरीन नहीं आएंगे, लेकिन कसम खुदा की देखिए ऐसे होते हैं हुसैन के चाहने वाले कि इधर उन लोगों ने ऐलान किया उस वक्त जब जायरीन करबला में गए थे, तो जो न्यूज वालों ने बताया वो ये बताया कि 6 करोड़ लोग उस वक्त करबला में मौजूद थे। कितने? 6 करोड़ लोग करबला में आए। किसने बताया? यूज़ वालों ने बताया कि 6 करोड़ लोग करबला में उस वक्त आए थे। तो यह है हुसैन की मोहब्बत। उधर उन लोगों ने धमकी दी, उधर 6 करोड़ शिया हुसैन के रोजे पर पहुंच गए। अब उसके बाद जब इन लोगों ने तहकीक की तो मालूम यह हुआ कि करबला की जमीन इतनी बड़ी है जिसमें मुश्किल से मुश्किल 70 लाख इंसान आ सकते हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा आ भी गए तो भाई बस 90 लाख तक लोग आ सकते हैं। तो भैया मालूम यह हुआ जब हुक्म दे दिया गया था उन लोगों ने, तो हुसैन ने बता दिया अपने शिया को अपनी आगोश में बुलाकर कि याद रखना कोई भी हुकूमत हो अगर तुम पे हमला करना चाहे हमारे दर पे आ जाना, हम निजात दे देंगे। एक ग्रुप है मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। हुसैन ने बता दिया अपने जायरीन को करबला बुलाकर कि याद रखना जब भी तुम पर कोई आफत आ जाए, कोई भी बला आ जाए, हमारे दर पर चले आना, हम तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर कर देंगे। भाई आप लोग सब जानते हैं कि जायरीन ने करबला का मर्तबा किया है, जो लोग करबला जाते हैं उनका मर्तबा किया है। एक शख्स इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम की खिदमत में आया, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, और आकर बड़े फख्र से कहने लगा मौला मैंने 29 बार हज कर लिया है, इस बार मेरा 30वां हज है, मौला दुआ करिए कि मैं इस बार भी हज पर चला जाऊं और मेरा हज कबूल हो जाए। तो एक मरतबा मौला ने कहा तेरा हज तो 30वां है, तूने 29 हज कर लिए हैं, लेकिन ये बता तू कभी हमारे जद की कब्र पर ज़ियारत करने के लिए गया है? कहा मौला नहीं, मैं आज तक नहीं गया। तो एक मर्तबा मेरे मौला जलाल के आलम में खड़े हुए और कहा कि तू उसकी कब्र पर ज़ियारत करने नहीं गया कि इसकी ज़ियारत करने के लिए अल्लाह अर्श से खुद जमीन पर आता है। कहा तू उसकी ज़ियारत करने नहीं गया, ज़ियारत हुसैन का बहुत बड़ा मर्तबा मिलता है कि ज़ियारत हुसैन का मर्तबा क्या है। आज बड़े से बड़ा आलिम आज तक ज़ाहिर हुसैन की हकीकत को नहीं समझ पाया, ज़ाहिर हुसैन के हकायक को नहीं समझ पाया, ज़ाहिर हुसैन की फजीलत को नहीं समझ पाया। और भैया समझ भी कौन सकता है कि ज़ाहिर हुसैन की फजीलत क्या है? रिवायतों में मिलता है कि जब ज़ाहिर
हुसैन की जरी पर जाता है और जाने के बाद अपनी पेशानी को हुसैन की जरी से मस करता है, अपने सीने को हुसैन की जरी से मस करता है। जब वापस आता है तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब हमारे जद हुसैन का जाहिर करबला से वापस आता है तो अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता है और वो ऐसा हो जाता है जैसा अपनी माँ के शिकम से आया था, यानी उसके हिस्से में कोई भी गुनाह नहीं रह जाता। आगे मौला फरमाते हैं लेकिन जो जाहिर करबला से आता है वो सबसे पहला गुनाह ये करता है कि वो अपने दिल में ये सोचता है क्या आया मेरे गुनाह माफ हुए या नहीं हुए। मौला कहते हैं वो सबसे बड़ा गुनाह है कबीरा करता है ये सोचकर, क्योंकि उसने हमारी हदीस पर शक किया है, हमारे कौल पर शक किया है, जो ये सोचे करबला से आने के बाद कि आया मेरे गुनाह माफ हुए या मेरे गुनाह माफ नहीं हुए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, एक दूर पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। ज़ाहिर हुसैन की फजीलत समझिए कि ज़ाहिर हुसैन की फजीलत क्या है। मौला इरशाद फरमाते हैं अपने जाहिर से कि तू एक मर्तबा मेरी कब्र पर आएगा लेकिन तीन मर्तबा में मैं तेरे पास आऊंगा, तीन जगहों पर मैं तेरे पास आऊंगा। कहा कौन कौन सी जगह? कहा पहली जगह उस वक्त कि जब मलकुल मौत तेरी रूह कब्ज कर रहा होगा तो मैं उससे कहूंगा कि इसकी रूह आसानी से खींचना क्योंकि इसने जितनी मुश्किलें सहनी थी मेरी ज़ियारत में सहनी है, इसने जितनी मुश्किलें बर्दाश्त करनी थी इसने मेरी ज़ियारत में बर्दाश्त करनी है। अब उसके बाद मौला फरमाते हैं कि दूसरी जगह उस वक्त आऊंगा कि जब तुम्हारी कब्र की पहली रात होगी तो मैं तुम्हारे पास रहूंगा, और तीसरी मर्तबा उस वक्त आऊंगा कि जब रोजे कयामत तुम्हारे अमाल तोले जा रहे होंगे तो मैं अपनी ज़ियारत का सवाब तुम्हारे नामे अमाल में डाल दूंगा। एक शख्स और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के पास आया, ज़ाहिर हुसैन की फजीलत समझे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ाहिर की फजीलत क्या है। आया और आकर अर्ज करने लगा, मौला मैं 19 बार कब्र हुसैन मैं 19 बार हज करने के लिए पैदल गया हूँ, मैंने अपना घर का सारा सामान हज में जाने के लिए लुटा दिया है और मौला मैं 19 मरतबा पैदल गया हूं। कहा एक मरतबा मौला ने कहा ये बता कि तू 19 मरतबा पैदल गया है लेकिन ये बता कि कभी हमारे जद हुसैन की कब्र पर कब्र की ज़ियारत की है? उसने कहा नहीं मौला, मैं आज तक आपके जद हुसैन की कब्र पर नहीं गया। तो एक मरतबा मौला ने कहा याद रखना तूने कुछ भी किया, तू कितना ही पैदल गया, तू 19 मरतबा पैदल गया है अपने घर का सारा सामान गिरवी रखकर, लेकिन अगर तू एक मरतबा हुसैन की कब्र की ज़ियारत कर लेता तो तेरा 19 मरतबा का हज बराबर है एक मरतबा कब्र हुसैन की ज़ियारत के। बेशक 19 मरतबा उसने हज किया, किस आलम में पैदल गया, अपने घर का सारा सामान बेच दिया, लेकिन मौला फरमाते हैं कि अगर तू एक मरतबा कब्र हुसैन की ज़ियारत कर लेता तो उन दोनों का सवाब बराबर था। तो ये है हुसैन के कब्र की ज़ियारत का सवाब। बस दो चार बात उसके बाद अपने मसाइल। एक मरतबा छठे इमाम मिंबर पर तशरीफ फरमा थे, लोग सामने बैठे थे, एक शख्स खड़ा हुआ, उसने पूछा कि मौला आपके जद हुसैन की ज़ियारत के करने का सवाब कितना कि तुम्हारे अमाल कबूल हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा शख्स खड़ा हुआ, कहा मौला ज़ियारत हुसैन का सवाब क्या है? मौला ने कहा कि तुम्हारी दुआओं के कबूल होने में तुम्हारी मदद करेगी ज़ियारत हुसैन, यानी उसका सबब बनेगी, उसका बायस बनेगी। अब उसके बाद फिर एक और शख्स खड़ा हुआ, कहा मौला ज़ियारत हुसैन का सवाब क्या है? तो मौला ने कहा कि अल्लाह रोज़े महशर तुम्हारा हिसाब लेने में आसानी करेगा। उसके बाद कहा एक और शख्स खड़ा हुआ, खड़े होने के बाद उसने फिर ये सवाल किया कि मौला आपके जब हुसैन की ज़ियारत का सवाब कितना है? तो मौला ने कहा कि तुम एक मरतबा मेरे जद हुसैन की ज़ियारत पर जाओगे लेकिन मेरे जद हुसैन फरमाते हैं कि तीन मरतबा मैं तुम्हारे पास आऊँगा। उसके बाद एक और शख्स खड़ा हुआ, कहा मौला
आपकी जद हुसैन की ज्यारत का सवाब क्या है? तो मौला ने कहा 70 हज के बराबर हुसैन की ज्यारत का सवाब है। उसके बाद एक और शख्स खड़ा हुआ तो मौला ने कहा कि खामोश हो जा, अगर मैंने हुसैन की ज्यारत की फसीलत बता दी तो लोग हज को छोड़ देंगे और हुसैन की ज्यारत करने की जाने लगेंगे। एक रूद पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो यह है फजीलत ज्यारत हुसैन अलैहिस्सलाम। भाई तभी तो तायद की गई है कि हुसैन की ज्यारत करने जरूर जाओ, चाहे कर्ज लेकर जाओ, चाहे अपना घर अपना माल सब कुछ बेच कर जाओ, लेकिन हुसैन की ज्यारत करने जरूर जाओ, क्योंकि मासूमीन ने हुसैन की ज्यारत को वाजिब करार दिया है। सब कुछ लुटा के जाओ लेकिन हुसैन की ज्यारत पर जाओ, क्योंकि मौला खुद कहते हैं कि अगर कोई जायर हमारा जायर कर्ज लेकर हमारी ज्यारत करने के लिए आता है तो हम वादा करते हैं कि एक साल ना गुजरेगा कि उसका कर्ज जो है अदा हो जाएगा। हाँ अज़ादारों, आज मुहर्रम की 5 तारीख आ गई है, बल्कि 5 तारीख भी गुजरने लगी है, कल मुहर्रम की 6 तारीख है। आज जो आप लोग सुबह से जैनब को उनके लाडलों का पुरसा दे रहे हैं, आज आप इस फर्शी अज़ा पर आए हैं किस वजह से? ताकि जैनब को उनके लाल का पुरसा दे। हाँ आज़ादार, रिवायतों में मिलता है कि शिमर मलाउन ने इमाम सज्जाद से कहा कि सज्जाद सज्जाद, क्या इन बच्चों की माँ मर गई है कि जो इन पर रोने नहीं आई है? अरे हर बच्चे की माँ अपने अपने बेटों की लाश पर रोने के लिए आ रही है। तारीख कहती है कि जब 28 रजब को यह काफिला चलने लगा तो एक मरतबा जनाब जैनब जनाब अब्दुल्ला के पास आए और आकर उनसे जाने की इजाज़त मांगी। तो एक मरतबा अब्दुल्ला कहते हैं, जैनब जाओ तुम अपने भाई हुसैन के साथ जाओ, लेकिन मैं चाहता यह हूँ कि मेरी तरफ से मेरे बच्चे औनो मोहम्मद को हुसैन पर कुर्बान कर देना। हाँ अज़ादारो, रावी लिखता है कि जब 10 मुहर्रम नमुदार हुई तो औनो मोहम्मद करबला के मैदान में आए और अपने मामो हुसैन के पास जाते हैं और पंजों के बल खड़े होते हैं ताकि हुसैन के सामने वो बड़े दिखाई दे, हुसैन के सामने वो ऊंचे दिखाई दे। हाँ आज़ादारो, तारीख कहती है कि वो जब खेमे से बाहर आते थे तो पंजों के बल खड़े हो जाते थे, लेकिन जब खेमे के अंदर जाते थे तो जैनब मुंह फेर लेती थी और कहती थी कि अभी तक जिंदा हो। हाँ आज़ादारो, अब औनो मोहम्मद इमाम हुसैन के पास आए, औनो मोहम्मद को जंग करने की इजाज़त मिली। अब औनो मोहम्मद जंगी लिबास पहन कर जनाब जैनब के पास आए। अब आप लोग जरा इंसाफ से बताइए कि हर बच्चा की जो बच्चा जंग करने के लिए जा रहा हो उसके दिल में ख्वाहिश यह होती है कि उसकी माँ उसे सीने से लगाए, उसकी माँ उसे गले से लगाए, लेकिन आज़ादारों तारीख कहती है जैनब ने अपने बच्चों को गले से नहीं लगाया। जैनब ने कहा औन औन तुम्हें मालूम है कि तुम किसके पोते हो? औन तुम जाफर तैयार के पोते हो, औन तुम अली के नवासे हो, औन देखो मुझे मेरी माँ फातिमा जहरा के सामने शर्मिंदा मत करना। हाँ आज़ादारो, तारीख कहती है कि जनाब जैनब ने अपने बच्चों से 3 बातें कही। एक बात ये कही कि हाँ के ऑन देखो नहरे फुरात पर कब्जा मत करना, नहरे फरात पर कब्जा मत करना, क्योंकि मेरा अली अकबर प्यासा मारा गया है, मेरा भाई हुसैन प्यासा है। उसके बाद जनाब जैनब ने दूसरी बात ये कही कि औनो मोहम्मद जब तुम जीन से जमीन पर गिरो तो देखो याद रखना मेरे भाई हुसैन को मत बुलाना, मेरे भाई हुसैन को आवाज मत देना, क्योंकि मेरा भैया हुसैन बहुत थक गया है। आज़ादारो, तीसरी बात जनाब जैनब ने कही कि औनो मोहम्मद देखो जब तुम्हारा लाशा गिरे तो खबरदार अपनी लाश को करबला के मैदान में मत गिरने देना, क्योंकि ये करबला जो है ये अली अकबर की जागीर है। अली जो जाहिर हुसैन की कब्र पर गए हैं, जो जाहिर करबला गए हैं, वो जानते हैं कि हर शहीद की कब्र करबला में मौजूद है।
है, लेकिन आनो मोहम्मद की कब्र कर्बला में मौजूद नहीं है, क्योंकि आनो मोहम्मद की कब्र कर्बला से बाहर है। हाँ आजादारो, अब आनो मोहम्मद कर्बला के मैदान में आए और एक मर्तबा उमर साद के खेमे पर हमला किया। उमर साद ने एक मर्तबा कहा कि आनो मोहम्मद, तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारी माँ ने तुमसे क्या कहा है कि अगर तुमने नहर फुरात पर कब्जा कर लिया, अगर तुम अपने मामो हुसैन पर कुर्बान नहीं हुए, तो तुम्हें तुम्हारी माँ दूध नहीं बख्शेगी। हाँ दादारो, इतना ख्याल आना था कि आनो मोहम्मद ने अपनी तलवारों को अपने नियाम में रखा। हाँ दादारो, अब जनाब ज़ैनब दर खेमा पर खड़े होकर हुसैन की तरफ देखती है। जब तक हुसैन खुश रहे, ज़ैनब गमज़दा रही, ज़ैनब गमज़दा रही। हाँ दादारो, इधर हुसैन गमज़दा हुए, ज़ैनब खुश हुई। आज़ादारो, इतना सुनना था, जब आनो मोहम्मद जीन से जमीन पर तशरीफ लेकर आए, तो एक मर्तबा हुसैन खेमे में आए और आने के बाद कहते हैं, ज़ैनब ऐ ज़ैनब, तेरे आनो मोहम्मद जीन से गिर गए। लेकिन ज़ैनब ने कुछ नहीं सुना। हाँ आज़ादारो, दूसरी मर्तबा हुसैन ने कहा, ऐ ज़ैनब, लगता है तुमने गौर नहीं किया, लगता है ज़ैनब तुमने ध्यान नहीं दिया है। ज़ैनब, मैं कहता हूं कि तुम्हारे बच्चे जीन से जमीन पर गिर गए हैं, लेकिन ज़ैनब ने फिर भी कुछ गौर नहीं किया। तीसरी मर्तबा जब हुसैन ने एक मर्तबा तीसरी मर्तबा कहा, तो हुसैन की आंखों से आंसू जारी हो गए। इतना सुनना था, जैसे ही ज़ैनब ने हुसैन की तरफ देखा कि हुसैन रो रहे हैं, एक मर्तबा ज़ैनब ने अपनी रिदा को उतारा, उतारने के बाद हुसैन के आंसुओं को पहुंचा। अरे ये वही ज़ैनब है, जब तक हुसैन कह रहे थे कि ज़ैनब आनो मोहम्मद जीन से जमीन पर गिर गए हैं, लेकिन ज़ैनब कुछ नहीं सुन रही थी, लेकिन जैसे ही हुसैन की आंखों से अश्क जारी हुए, ज़ैनब रोने लगी। एक मर्तबा हुसैन कहते हैं, ऐ ज़ैनब, तुम्हारे लाडले जीन से जमीन पर गिर गए हैं। तो एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, ऐ भैया भैया, सदकों को रोया नहीं करते हैं, भैया सदकों को रोया नहीं जाता है। तारीख कहती है, जब हुसैन खेमे से निकलने लगे, तो ज़ैनब एक मर्तबा दर खेमा पर खड़ी हो गई। ज़ैनब से हुसैन कहते हैं, हुसैन मुझे मत रोक। कहा, क्यों भैया? कहा, ज़ैनब मैं तेरे बच्चों की लाश को उठाने जा रहा हूँ। आखिरी जुमला मजलिस तमाम करने लगा हूँ। ज़ैनब ने कहा, क्यों भैया? हुसैन कहते हैं कि मैं तेरे लाडलों की लाशों को उठाने जा रहा हूँ। ज़ैनब ने एक मर्तबा हाथ जोड़कर कहा कि भैया, जितनी देर में आप जाएंगे और जितनी देर में वापस आएंगे, ऐ भैया, आपकी बहन की ख्वाहिश है कि उतनी देर ज़ैनब के सामने बैठ जाओ, ताकि आपकी बहन ज़ैनब आपका दीदार करती रहे। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।